तो इस प्रकार से हम लोग दो स्टेप डिजाइन का हम लोग कंप्लीट किए हैं। पहला फोर्स का एनालिसिस किए हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरह का लीवर हो, है ना, तीनों काइंड में से कोई भी लीवर हो, तीनों काइंड में हम फोर्स एनालिसिस में हम बता दिए कि कैसे हम उसके रिएक्शन, इफर्ट, लोड निकालते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग जो है लीवर का डिजाइन किए, तो देख रहे थे कि लीवर जो है वो बेंडिंग फेल्योर से फेल करता है, तो वो बेंडिंग फेल्योर हो गया लीवर का। अब तीसरा जो एक पार्ट है वो है इसमें यूज होने वाला, वो है फलक्रम पीन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ फलक्रम पीन, ठीक है, जिस पिन के ऊपर ये पूरा का पूरा असेंबली हमारा सिचुएटेड है, मतलब हो गया कि जो फलक्रम पिन है। तो जैसे अगर हम लोग इसका, अगर हम लोग साइड से व्यू देखें, तो इस तरह का ये बना हुआ है, ये फलक्रम है, और इसके बीच में ये हमारा क्या लगा हुआ है, फलक्रम पिन लगा हुआ है। ये क्या है, फलक्रम पिन है, यही हमारा फलक्रम पीन है। तो इसी फलक्रम पीन के ऊपर जो है, मतलब जो लीवर बना हुआ है, यहाँ पर जो लीवर है, इस लीवर में यहाँ पर ये होल बना हुआ है, और इसी होल में जो है ये पीन जो है पूरी इंसर्टेड है ना, ये पीन जो है वो इस होल में इंसर्टेड है, और ये पीन जो है इसके अंदर लूज है, मतलब लूजली फिटिंग है। तो इसलिए ये जो है लीवर यहाँ से ये अप डाउन, मतलब ये इधर और इधर जो है ये अप डाउन कर सकता है पिन के अगेंस्ट में, ठीक है। फलक्रम पिन को ये एक तरह का नकल पिन भी इसको हम लोग कहते हैं, ये एक नकल पिन के जैसा ही है ना, ये भी फलक्रम पिन भी क्या है, ये एक नकल पिन ही है। तो यहाँ पर देखिए कि अब ये अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि ये फलक्रम के ऊपर सिचुएटेड है और लोड लग रहा है, इफर्ट लग रहा है, तो ये क्या करता है, ये लीवर एक तो फलक्रम पिन के ऊपर मतलब एक डाउनवर्ड हमको रिएक्शन दे रहा है, फोर्स दे रहा है, यानी कि अगर ये पिन टूट गया, तो पिन टूट गया तो फिर ये पूरी की पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, लीवर जो है सो पिन से अलग हो गया तो बैठ जाएगा, मतलब ये फिर लोड को रेज या लोअर करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि ये जो लीवर है वो पिन के ऊपर मतलब अंडर वियरिंग में है, मतलब इसका जो टॉप सर हाफ सरफेस है पिन का, यहाँ पर अगर हम लोग पिन का सेपरेट सेपरेट यहाँ पर अगर हम लोग ये ड्रॉ करें, तो इसका जो हाफ मतलब टॉप वाला जो सरफेस है पिन का, ये इस पिन के ऊपर ये लीवर का जो ये बॉस है, इसको बॉस कहते हैं, लीवर का ये बॉस हो गया, ये बॉस उसको क्या कर रहा है, मतलब लगातार उसको वियरिंग कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कंप्रेशन का एक्शन है। तो ये पिन जो है वो लगातार वियर होते रहेगा, है ना, इसके ऊपर वियरिंग प्रेशर लगा रहा है ये जो लीवर है, लीवर अपना बॉस पार्ट से पिन के ऊपर क्या कर रहा है, बियरिंग प्रेशर लगा रहा है। तो पिन जो है बियर भी कर सकता है, मतलब घिस भी जाएगा लगातार, अगर लीवर को हम लोग इस तरह से रोटेट करते रहेगा तो ये बार बार इसके सरफेस को वियर करेगा, तो एक समय के बाद ये पूरा वियर भी हो जाए, जितना हैवी लोड होगा उतना इसके बीच में फ्रिक्शन होगा, उतना ही वियरिंग का चांस बढ़ेगा। तो फलक्रम पिन दो मोड में फेल करता है, एक फेल तो हो गया शियर फेल्योर, इसका क्या हो गया, शियर फेल्योर। शियर फेल्योर में क्या होगा कि ये पिन जो है वो हमारा यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से अगर ये पिन टूट गया, मतलब जो पार्ट पिन का जितना हिस्सा लीवर के बॉस के अंदर है, वो पिन जो है वो मतलब ब्रेक कर गया यहाँ से, तो ये पिन टूट गया तो भी ये लीवर जो है वो फेल कर जाएगा, है ना। तो ये इसका क्या कहलाएगा, शियर फेल्योर। तो शियर फेल्योर में इसका डबल शियर एरिया बन रहा है, इसका शियर एरिया क्या बन रहा है, डबल बन रहा है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि D1 जो है डाया ऑफ पिन है, पिन का डाया क्या है, D1 है, और L मान लेते हैं लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ पिन है, पिन का लेंथ एल है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो सियर डबल हो रहा है, तो यहाँ पर जो सियर एरिया बनेगा, सियर एरिया वो हमको क्या बनेगा, ये पाई बाय फोर और डी वन का स्क्वायर, ये तो एक तरफ का सियर एरिया बन गया, और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, दो से गुना कर देंगे, तो ये दोनों सियर एरिया निकल जाएगा, दोनों सेम ही है ना, सियर एरिया सेम सेम बनेगा दोनों तरफ, तो पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर को दो से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाय टू डी वन स्क्वायर, तो सियर एरिया निकल गया, तो यहाँ से सियर स्ट्रेस का मान जो है, और जो भी यहाँ पर फलक्रम पिन के ऊपर क्या लगता है, रिएक्शन लगता है आर, ये लोड हो गया फलक्रम पिन के ऊपर, ये लोड मतलब रिएक्शन आर ही पिन के ऊपर लग रहा है, तो सियर स्ट्रेस में होता है फोर्स पर यूनिट सियर फोर्स बाय सियर एरिया, तो यहाँ पर शियर फोर्स रिएक्शन है वो आर हो गया, और एरिया यहाँ पर पाई बाय टू डी वन का स्क्वायर, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, शियर स्ट्रेस ऑफ पिन निकाल लेते हैं, और चेक कर लेंगे कि ये परमिसिबल से छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है तो फिर ये पिन क्या है, सेफ है। इसके बाद जो है सेकेंड जो इसका फेल्योर है वो उसका है बियरिंग, बियरिंग बियरिंग फेल्योर ऑफ पिन, पिन का बियरिंग फेल्योर मतलब वो बियर कर जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल पी है, स्मॉल पी को हम लोग मान लेते हैं ये एक बियरिंग प्रेशर है, इसके ऊपर लगने वाला क्या है, बियरिंग प्रेशर, कैपिटल पी को हम लोग एफर्ट माने हैं, ठीक है, और स्मॉल पी को यहाँ पर हम बियरिंग प्रेशर माने हैं, इसका यूनिट जो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगा, बियरिंग प्रेशर हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब ये है कि जो लीवर का बॉस है और पिन है, तो इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है वो एक कर्वेचर है, कर्व इसका कांटेक्ट सरफेस क्या है, कर्व है ना, तो कर्व है, तो जब भी हम बोले थे कल लास्ट क्लास में भी कि अगर कोई कर्व एरिया अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो वहां पर हम डिजाइन करने के लिए उसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, तो पिन का अगर हम लोग टॉप व्यू यहाँ से देखें तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया एक रेक्टेंगल बनेगा, पिन पिन है सिलिंड्रिकल शेप का, लेकिन इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल शेप, प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगुलर बनेगा, तो रेक्टेंगुलर बनेगा तो इसमें जो इसकी ये चौड़ाई होगी वो उसका डायमीटर के बराबर होगा, हम लोग मान लेते ये एल जो है लंबाई है, ये एल जो है लेंथ ऑफ पिन इन बॉस ऑफ लीवर, लीवर के बॉस के अंदर है, ठीक है, जितना लेंथ ऑफ पिन जो है मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ही लंबाई एल है, जितना लंबाई ये लीवर के अंदर में है पिन वो है एल लेंथ, ठीक है, ये नहीं कि मतलब उसके दोनों इंड पॉइंट तक नहीं, पिन का जितना लंबाई लीवर के अंदर है उतना ही को हम एल माने हैं, और डी डाया ऑफ पिन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका प्रोजेक्टेड एरिया डी वन चौड़ाई में आएगा, एल वन लंबाई में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बियरिंग हो रहा है, तो यहाँ पर बियरिंग एरिया जो हो जाएगा, यहाँ पर बियरिंग एरिया बोले तो यहाँ पर बियरिंग एरिया वो क्या हो जाएगा, डी वन इंटू एल हो जाएगा, रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, डी वन इंटू एल हो जाएगा, तो यहाँ पर बियरिंग प्रेशर बराबर, ये स्मॉल पी है, बियरिंग प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो है रिएक्शन और इंटू डी वन और इंटू एल, तो ये हमको क्या हो गया, बियरिंग प्रेशर का मान निकल गया। तो इस तरह से जो फलक्रम पिन है वो दो मोड से फेल करता है, एक सियर फेल्योर और एक बियरिंग फेल्योर, लेकिन मोस्टली केस में जो पिन फेल करता है वो बियरिंग फेल्योर से ही करता है, ठीक है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बियरिंग फेल्योर जो है मोस्ट चांसेज है, शियरिंग में तो हम उसकी डायमीटर को मजबूती दे करके हम उसका शियरिंग फेल्योर से हम बच सकते हैं, बियरिंग फेल्योर जो है लगातार वर्किंग होता है इसके ऊपर पिन के ऊपर,
और हमेशा लीवर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोड्स आते रहता है ना, तो बियरिंग का चांसेस जो है पिन का वो ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से उसको सेफ करेंगे तो बियरिंग प्रेशर बराबर आर बाय डी वन इंटू एल। अब यहाँ से देख लेंगे कि जो बियरिंग प्रेशर हमको कैलकुलेट होके यहाँ से आ रहा है वो अपने परमिसिबल वैल्यू से छोटा है कि नहीं, छोटा है तो फिर ये पिन जो है वो सेफ है। तो इस प्रकार से पूरे लीवर को हम लोग तीन स्टेप में क्या किए हैं, डिजाइन किए हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग फोर्स का एनालिसिस करेंगे, जिस काइंड का लीवर रहेगा उस काइंड के लीवर के अनुसार हम उस पर फोर्स एनालिसिस करेंगे। सेकेंड में स्टेप में हम लीवर का बेंडिंग फेल्योर है उसका एक ही मोड ऑफ फेल्योर है बेंडिंग फेल्योर वो निकालेंगे, और तीसरा में हम लोग यहाँ पर फलक्रम पिन का डिजाइन करेंगे जिसमें दो मोड ऑफ फेल्योर है शियर फेल्योर और उसका बियरिंग फेल्योर। तो इन दोनों ही मोड से हम पिन का भी डिजाइन कर लेंगे।